everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the political life of Rig Vedic culture. So, political life, राजनीतिक जीवन. इस समय में आर्यंस जो थे वो सेवरल ट्राइब्स में डिवाइडेड थे. मतलब उस समय आर्यंस बहुत से कबीलों में बटे हुए थे जिन्हें जन कहा जाता था. हर एक जन का अपना रूलर होता था, अपना एक शासक होता था जिसे राजन कहते थे. तो राजनीतिक जीवन में क्या है कि आर्यंस जो थे वो कुछ ट्राइब्स में बटे हुए थे जिन्हें जन कहा जाता था और हर जन का अपना एक रूलर होता था और उस शासक को राजन कहते थे. राजन का जो पोस्ट था वो हेरेडिटरी था, मतलब वंशानुगत था. मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा. लेकिन आर्य जो थे वो इलेक्टेड मोनार्की से अनफैमिलियर नहीं थे. उन्हें इलेक्टेड मोनार्की यानी कि निर्वाचित राजतंत्र की भी जानकारी थी. इलेक्टेड मोनार्की में जो लोग हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के जरिए चुनते हैं और वहीं दूसरी तरफ हेरेडिटरी में राजा के मरने के बाद वो पोस्ट अपने आप उसके फैमिली के किसी मेंबर को मिल जाती है. नेक्स्ट है किंग, राजा. तो राजा की जो पावर थी वो अनकंट्रोल्ड नहीं थी. वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते थे. अगर राजा की पावर अनकंट्रोल्ड नहीं थी तो उसे कौन कंट्रोल करता था? तो राजा पर जो है वो धर्म का नियंत्रण था. जो विद यानी कि जो दुष्ट होते थे उसको पनिश करना और जो गुणवान होते थे उसको रिवार्ड देना ही राजा का परम कर्तव्य था. और युद्ध में राजा अपने जन का नेतृत्व करता था और शांति के साथ न्याय की स्थापना करने की कोशिश करता था. राजा जो होता था वो अपने लोगों को मोरालिटी को भी प्रोटेक्ट करता था. मतलब राजा जो है अपनी जनता के सदाचार की भी रक्षा करता था, सदाचार की रक्षा का भी ध्यान रखता था. नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली एंड कमिटी, सभा और समिति. तो असेंबली एंड कमिटी ये दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि राजनीतिक संगठन थे जिनका काफी महत्व था. और इनका काम ये था कि ये राजा के पावर को कंट्रोल करते थे. तो असेंबली और कमिटी भी राजा के पावर को कंट्रोल करते थे और उसे ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश होने से रोकती थी. असेंबली एंड कमिटी का भी काम जो था वो राजा के पावर को कंट्रोल करना था. तो असेंबली और कमिटी के एक्चुअल नेचर और ड्यूटीज के बारे में विद्वानों के अलग अलग धारणाएं हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो है वो कहीं भी सभा और समिति के बारे में नहीं बताया गया. ऋग्वेद में असेंबली और कमेटी का जिक्र नहीं मिलता है. और ये कहा जाता है कि शायद समिति जो थी वो जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी. समिति जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी और सभा के सदस्य जो थे वो अभिजात वर्ग के लोग होते थे यानी कि अरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे. अरिस्टोक्रेटिक पीपल जो होते थे वो सभा के सदस्य होते थे. तो जनरल पब्लिक रिप्रेजेंट करते थे किसे? समिति. एंड अरिस्टोक्रेटिक पीपल जो होते थे वो सभा के सदस्य होते थे. नेक्स्ट है राज स्टाफ, राज कर्मचारी. देयर वर मेनी एम्प्लॉयज टू असिस्ट द किंग इन गवर्नेंस वर्क. तो शासन कार्य में राजा की सहायता करने के लिए, राजा को हेल्प करने के लिए बहुत से कर्मचारी होते थे. राज एम्प्लॉयज, प्रिस्ट्स, फाइटर्स एंड ग्रामनी ये सब प्रमुख होते थे. मतलब राज कर्मचारी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामनी प्रमुख होते थे. प्रिस्ट यानी कि जो पुरोहित जो थे वो शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था. इन्हें जो पुरोहित होते थे उन्हें शासन व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला था. अब ये पुरोहित जो थे वो राजा से धार्मिक कर्तव्यों का पालन कराते थे और अपने वैल्यूएबल एडवाइस से राजा की सहायता भी करते थे. सेनानी यानी कि फाइटर जो थे वो सेना
प्रधान अधिकारी होते थे, ये फाइटर राजा के द्वारा चुने जाते थे, फाइटर जो थे वो राजा के द्वारा चुने जाते थे, और कभी कभी जो है राजा इनको सेना का नेतृत्व करने के लिए रणभूमि में भी भेज देते थे। अब आते हैं ग्रामिणी। ग्रामिणी जो थे वो मिलिट्री और गवर्नेंस जैसे मामलों में विलेज के लीडर होते थे, तो ग्रामिणी नाम ही काफी है, तो ये मिलिट्री और गवर्नेंस जैसे मामलों में विलेज के लीडर होते थे। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, सैन्य संगठन। ऋग्वेद में आर्मी का जिक्र मिलता है, ऋग्वेद में आर्मी के बारे में बताया गया है, और ऐसा लगता है कि इसको वार और प्लंडर के समय दुश्मनों से लड़ने के लिए संगठित किया जाता था। इस समय परमानेंट आर्मी की जरूरत जो है वो नहीं समझी जाती थी, मतलब परमानेंट आर्मी नहीं थी, टेम्पररी थी, जो कि वार और प्लंडर के समय दुश्मनों से लड़ने के लिए संगठित ऑर्गेनाइज की जाती थी। सेना का नेतृत्व राजा करता था, और राजा के बाद सेनानी जो थे वो सेना का नेतृत्व करता था। इन केस अगर राजा बीमार है या फिर किसी और वॉर में बिजी है, किसी और युद्ध में बिजी है, तो उस समय सेनानी जो है, जो फाइटर है, वो सेना का नेतृत्व करता था। पेडेस्ट्रियन एंड चैरियोटर आर्मी के मेन पार्ट्स होते थे, यानी कि लोग जो पैदल चलते थे और जो रथ पे होते थे वो सेना के मेन पार्ट्स होते थे। वॉर में स्पीयर, बो, स्वॉर्ड और एक्स, ये उस समय के हथियार होते थे। मतलब कौन कौन से हथियार होते थे, स्पीयर होते थे, बो होते थे, स्वॉर्ड और एक्स उस समय वॉर में यूज किए जाते थे, मतलब भाला, धनुष, तलवार और कुल्हाड़ी, ये सब हथियार यूज किए जाते थे। नो सेपरेट कॉन्टिजेंट ऑफ कैवलरी इन द आर्मी, ऑल्दो हॉर्स रेसिंग इज मेंशनड एट मेनी प्लेसेस इन द ऋग्वेद। तो अश्वारोहियों की सेना में कोई अलग टुकड़ी नहीं होती थी, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था कि जो लोग घोड़े पे होते थे उनकी सेना में कोई अलग से पोजीशन है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद में तेज दौड़ने वाले घोड़ों का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था। ऋग्वेदिक आर्यंस का जस्टिस सिस्टम भी काफी सिंपल था, मतलब इन लोगों का जस्टिस सिंपल, यानी कि न्याय व्यवस्था जो था वो बहुत ही साधारण था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे ऊंचा अधिकारी जो था वो राजा होता था। जो दंड दिए जाते थे वो भी ज्यादा कठोर नहीं होते थे। उस समय किसी को भी मृत्यु दंड के बारे में नहीं पता था, मतलब लोग जानते ही नहीं थे कि मृत्यु दंड भी कुछ होता है, और मर्डर जैसे सीरियस क्राइम के लिए भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, मतलब किसी ने किसी को मार दिया उसके लिए भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों ने भारत में शुरुआत से ही पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोगों का ऋग्वेदिक कल्चर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।